भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के रांची स्थित डिब्डी आवास पर एनडीए की बैठक संपन्न हुई। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, प्रदेश महामंत्री सांसद आदित्य साहू, सांसद प्रदीप वर्मा, जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद खीरू महतो, आजसू के देवशरण भगत एवं लोजपा के वीरेंद्र प्रधान एवं राजकुमार राज उपस्थित थे। मीडिया से बात करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में लोकसभा चुनाव एनडीए के सभी घटक दल पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। बताया कि प्रदेश स्तर पर सभी दलों से दो दो प्रतिनिधियों को मिलाकर राज्य स्तर पर समन्वय समिति बनेगी और इसी तर्ज पर लोकसभा एवं विधानसभा स्तर पर भी समिति बनेगी। देखिए वो तो पहले से ही बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, पहले बार भी ऐसे ही लोग बोलते रहे, तो इसलिए मैं, वो राजनीतिक पार्टी है कुछ भी कहेंगे, क्योंकि वास्तविकता तो इस राज्य की जनता उन लोगों को पहचान चुकी है जो एनडी अलायंस के जो घटक दल है उनको अच्छी तरह से जानते हैं। कुछ लोग जेल में है, कुछ लोग बेल पर है, कुछ लोग सजा याफ्ता है कि दुनिया जानती है उन लोगों को। और चार वर्षों से अधिक समय झारखंड में भी सत्ता में बैठे हुए उन लोगों को देखा कि किस प्रकार से इस राज्य को लूटने और लुटाने का इन लोगों ने काम किया है, तो आज झारखंड की जनता उन लोगों से तो पूरी तरह से दुखी है। उनके पास कुछ भी बताने को आज नहीं है कि हम काम के बदौलत हम जीतेंगे, तो नेगेटिव पॉलिटिक्स वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। इसलिए कोई चिंता के नहीं, रैली करें, प्रदर्शन करें, उसके लिए हर पॉलिटिकल पार्टी स्वतंत्र होती है। इसमें राहुल जी, साउथ का दौरा सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है, उस पर बीजेपी बात नहीं कर रही, खासकर मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे। हमें कहा कि आज के तारीख में मैं तो जितने यहाँ जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है इस देश के अंदर, मैं कल ही कोई एक न्यूज चैनल को मैं देख रहा था, इन 4.5 वर्षों में जो एपीएफ में जो पैसा कटता है और सरकार के खजाने में जो जमा होता है वो 4,70,00,000 से अधिक लोगों का जमा हुआ है, और वो भी वो कंपनी होते हैं जिस कंपनी में 20 से अधिक मजदूर काम करते हैं। यानी हम अगर आज कहें उस रिकॉर्ड के हिसाब से, उससे कम में लोग काम करते हैं, कितना रोजगार सृजित हुआ वो तो अलग है, और उसका भी उसी का काटता है जो 15,000 से जिसको अधिक वेतन मिले, तो ये लगभग 4.5 करोड़ लोगों को तो इन वर्षों में उस सरकारी जॉब की मैं बात नहीं कर रहा हूं, तो देश में जो रोजगार के अवसर इन 10 वर्षों में जो सृजित हुआ है वो साफ साफ दिखता है और जनता भी इसको महसूस कर रही है। आज देश की जनता जो बड़ी आबादी, जो गरीबी रेखा से जो पहले भूखे रहा करते थे, देश के प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल से जो काम शुरू हुआ कि मुफ्त में 5 किलो अनाज देना और अगले 5 वर्षों तक भी अनाज मिलेगा मुफ्त में, आज गरीब निश्चिंत होकर के जिसको कहते हैं कि उनको मोदी के ऊपर भरोसा है कि भाई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो कोई हम भूखे नहीं सोएंगे, इतनी आत्मविश्वास और इतनी कॉन्फिडेंट जो लोगों के पास है मोदी जी के प्रति, तो ये कभी नहीं दिखाई पड़ा।